नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाई चार्ट बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं और यहां पर जो है हमारे पास एक टेबल है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था, और इस टेबल के ऊपर में हम लोगों ने क्लस्टर कॉलम चार्ट भी बना चुके हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में टोटल एवरेज ग्रेड और डिवीजन कैलकुलेट किए थे, तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के उन सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग सबसे पहले जो है टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद चार्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग पाई में जाएंगे और पाई में हम लोग यहाँ पर आपको पाई का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पाई चार्ट बन चुका है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइटल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग टाइटल दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा टाइटल लग चुका है। और अगर चार्ट में अगर टाइटल शो नहीं हो रहा है तो लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर आपको चार्ट टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद अबव चार्ट पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग चार्ट टाइटल लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको साइड कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे इस टेबल के ऊपर में। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स सोलो से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो जो है बन चुके हैं, तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जहाँ पर वैलिडेशन रूल लगाना है उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वर्ड के कॉलम में वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद जो है हम लोग डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाएंगे और इसके बाद हम लोग डेटा वैलिडेशन को वापस से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पर अलाउ में हम लोग जाएंगे, रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेटा में हम लोग जाएंगे और डेटा में हम लोग लेस देन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देंगे 100 और ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अप्लाई किए हैं कि इस कॉलम में 100 से ज़्यादा का नंबर हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं करके। यहाँ पर 30 है, 30 की जगह पर हम लोग 120 कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैसेज होगा, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो चलिए हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसमें 99 एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 99 जो है ले लिया है। अगर आप इस कॉलम में 100 से ज़्यादा का कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो इसमें जो है नहीं लेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगले सेल में भी लगा करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 101 टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी मैसेज हो रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वैलिडेशन रूल को कैसे हटाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने वैलिडेशन रूल लगाते समय सेल को सिलेक्ट किए थे, उसी तरह से हम लोग सेल को वापस से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन वापस से और यहां से हम लोग क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर लेंगे। तो यहां पर जो हमारा डेटा वैलिडेशन जो है हट चुका है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 101 टाइप करके देख लेते हैं, तो ये देखिए ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी टाइप करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 120 टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है 120 ले लिया है। दोस्तों इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी टेबल के ऊपर में पाई चार्ट बना सकते हैं और किसी भी टेबल के ऊपर में डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद।